मेरे हो गए हैं सारे काम, मैंने कर लिया अपना सारा काम। कपड़ा जो फोल्ड करना था वो फोल्ड कर लिया। सुबह को आज मैं उठी थी 2:30 बजे उठी, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाई। उनको जाना था 4:30 बजे, उनका मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है अभी, वो 4:30 बजे चले गए वो। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि उस टाइम तो बन ही गया था लंच, तो अपने लिए भी बना लिया। उसी टाइम मैंने टिमटिम के लिए भी बना लिया था, टिमटिम भी खा लेती है रोटी, 2 रोटी खा लेगी। या तो मैं इसके लिए दलिया बना देती हूँ, कुछ ऐसी है दाल चावल, ये सब इसके लिए बना देती हूँ। तो उस टाइम बन गया था सबके लिए ही। तो फिर मैं सोची कि चलो कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। तो उतना सुबह मैंने क्या किया कि सब कपड़ा फोल्ड किया, कपड़ा फोल्ड करके फिर उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहा के आई अभी, और अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30। तो अब मेरा सारा कुछ हो गया है। फिर उसके बाद आएंगे मेरे हस्बैंड 2 बजे आएंगे, 2 बजे नहीं आएंगे, 2:30 बजे आएंगे, 2:30 बजे आएंगे। फिर उसके बाद मैं फिर बनाऊँगी, उसी टाइम बनाऊँगी लंच। मुझे दाल और चावल बनाना है, उनके लिए रोटी बनाऊंगी। वो रोटी खाते हैं, चावल बहुत कम खाते हैं। चावल तो मैं ही खाती हूँ क्योंकि मुझे चावल बहुत पसंद है। मैं अगर चावल नहीं खाऊँ तो लगता है कि मेरा पेट खाली खाली है। तो एक टाइम तो मुझे चावल चाहिए और 2 टाइम तो रोटी। ब्रेकफास्ट के लिए रोटी और डिनर के लिए मुझे रोटी ही चाहिए होता है, और लेकिन एक टाइम मुझे लंच में मुझे चावल चाहिए। तो बस आ जाएँ। और यहाँ मेरी ऐसे आप लोग ये मत बोलना कि मेरी टिमटिम काम नहीं करती। मेरी टिमटिम बहुत काम करती है। अभी देखिए कितना सारा काम है इसके जी में। हाँ गुड। ये वाला बेटा, ये वाला डालना है, बेटा। हाँ निकाल क्यों रही हो? देख रहे हैं ना कितना मेहनत है, वो काम करती है। डालो जब इसका काम हो जाता है, ये सब नहीं रख पाती है तो फिर ये मेरे पास लेके आती है कि मैं रख दूँ। देखिए जिसका मुझे इंतजार था वो आ गए। अभी बज रहे 2:30। हाँ इनके बिना मन नहीं लगता, बिल्कुल मन नहीं लगता। चलो ये आ गया, अच्छा हुआ। अब इनके लिए मैं दाल तो बना चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ रोटी बनाने और चावल बनाने। अब ये मेरे पति बहुत थक गए हैं, बोले बहुत थकावट हो गई है। अभी सोएंगे थोड़ी देर में। मेरी बेटी थोड़ा परेशान कर रही है, उनको सोने तो देगी नहीं है। मैं बहुत सीधी सारी लड़की हूँ। ऑफिस से थक के आने के बाद अब जब घर में बना हुआ खाना मिलता है और मज़ा आया। वरना जब खुद से बनाना खाना बहुत मज़ा आता है। तो खाना बनाया मिलता है, मस्त खा लो। घर पे खाते थे बाहर से खाते। और ये देखो ये लड़की परसों सुनो ना, ये पिलो किसका है? ये पिलो नहीं मेरा, ये पिलो मेरा है। मैं सोऊंगा इस पे, मैं सो रहा हूँ। लो बेटा ये पिलो मेरा है पिलो, ये मेरा पिलो है, मैं सोऊंगा। देखो तो ये सोएगी, इसने ये सब पानी पी लिया। ये यहाँ सो के उठ गए हैं। सो के उठने के बाद मुझे बोल रहे थे चाय बनाने के लिए। मैंने क्या किया कि मैंने उल्टा इनको ही बोला कि चाय बनाइए, क्योंकि ये एक दिन क्या कि बोल रहे थे कि कल सुबह मैं ही चाय बनाऊँगा, देख लेना। कल सुबह मैं तुम्हें चाय बना के, अच्छा चाय बना के पिलाऊँगा। डेली बोलते थे कल बनाऊँगा, कल बनाऊँगा। फ्रॉमाइस पे चाय बनाता हुआ ये देखिए, ये डाला मिल्क। कितना दिन सब बोले चाय बनाऊंगा, चाय बनाऊंगा। एक दिन तुमको चाय बना के पिलाऊंगा जरूर। लोग भाई बना के पिला देखो चाय बनाते हैं बहुत मस्त अच्छा बनाते हैं। थैंक यू। एटलीस्ट इनको पहले आधा चीज मिलेगा नहीं तो मिल जाएगा। ये भी देख रही क्या के पापा आज क्या कर रहे हैं। तो मम्मी चाहिए काम करते हैं, पापा ये क्या कर रहे हैं। यही सोचेंगे है ये क्या रेडी हो गया। यहाँ ऑलमोस्ट चाय मेरा रेडी है और दूसरे साइड ये देखिए मैंने मिल्क गर्म करा है कि हाँ चलो ठीक है मिल्क अपना चल जाएगा। so, आप मिल्क भी दिखा रहे हैं कि मैंने आपने ही गर्म किया है। आप देखिए हमारे घर में 2 कप है, 2 स्टाइल के, एक मेरा है और एक माही का है। छोटा वाला मेरा क्योंकि मैं ज्यादा चाय नहीं पीती, ये उसमें भर के ज्यादा नहीं पीती। हाँ उसमें आधा आप चाय पीते हैं। और आप ये बताइए कितने दिनों बाद बना रहे चाय। जब मैं यहाँ आई थी तब आप बनाए थे एक बार, उसके बाद से तो भूल ही गए। मुझे याद नहीं है लेकिन हाँ ये तो है कि चलो ठीक है।